हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे सुराबर्डी का जो यहाँ पर गुफा है, ओके, शिवलिंग है वहाँ पर, तो उसको हम पूरा एक्सप्लोर करेंगे। ओके, तो वीडियो पूरा देखिए ताकि आपको ए टू जेड सब वहाँ पर दिखाई दे, ठीक है। 12 ज्योतिर्लिंग है, वो आपको सारे के सारे यहाँ पर इस वीडियो में दर्शन होने वाले हैं। ओके, तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा बाहर का नज़ारा है। ओके, तो यहाँ से जो है स्टार्ट होगा। ओके, यहाँ पर जो भी आप फोटो वगैरह जो भी लेना है वो आप ले सकते हो। ओके, यहाँ पर कुछ नहीं, जो पानी वगैरह है तो यहाँ पर है सिर्फ। ओके, और आपको बाहर का जो नज़ारा है वो इस तरीके से दिखेगा। ओके, ये जो आप देख रहे हैं, ओके, ये ऊपर का नज़ारा है, ठीक है। जैसे आप सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आओगे तो आपको ये ऊपर में ये दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर भी आप जो फोटोशूट वगैरह है वो यहाँ पर कर सकते हैं। और यहाँ से, ओके, हम क्या करेंगे, अंदर के लिए एंट्री करेंगे। ओके, दर्शन करना है तो हमें यहाँ पर सीधा 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो जाएंगे। ओके, तो हम सबसे पहले अंदर जाने से पहले स्टार्टिंग में इसे गणेश जी की मूर्ति है। ओके, यहाँ पर आपको गणेश जी के दर्शन होंगे। उसके बाद आपको जो शिवलिंग है, ओके, उसके दर्शन आपको यहाँ पर करनी है। ओके, आपके पास जो भी टिकट वगैरह है वो यहाँ पर आपको जमा कर देने हैं, ठीक। अभी आगे हम 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे। ओके, वन बाय वन हम दर्शन करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं भगवान शिव की जो प्रतिमा है। ओके, इसमें के भगवान शंकर और माता पार्वती, ओके, दोनों के रूप यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और अभी हम क्या करेंगे, इससे थोड़ा आगे जाएंगे तो देखिए थोड़ा यहाँ पर मतलब गुफा है। ओके, तो यहाँ से थोड़ा संभल के हमको जाना पड़ेगा। लाइट्स वगैरह है यहाँ पर, बट फिर भी थोड़ा केयरफुली हमको यहाँ से आगे जाना है। चलिए आगे जाते हैं और हम आगे दर्शन करेंगे हमारे जो विश्वनाथ हैं। ओके, काशी विश्वनाथ, उनके दर्शन हम यहाँ पर होंगे। ओके, चलिए। We'll be right back.
तो यहाँ से भी हम वैष्णो माता का जो प्रवेश द्वार है ओके, यहाँ से होते हुए हम जाएंगे आगे ओके, जहाँ पर अभी हम जितनी भी माताएं हैं ओके सबके यहाँ पर दर्शन करेंगे ओके। चलिए हमें थोड़ा आगे जाना पड़ेगा, अभी वीडियो से होकर के हमें ऊपर जाना है ओके। तो यहाँ पर आगे अगर हम देखेंगे तो हमारे जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनके तो दर्शन अभी हो गए हैं हमारे ओके। तो अगर हम ऊपर जाएंगे तो ऊपर में हमें सभी माता पिता यहाँ पर होने वाले हैं ओके। तो देखते हैं यहाँ पर अभी हम दर्शन करेंगे माता वैष्णो देवी के ओके। तो यहाँ पर जो भी है वो सभी वेतनधारी है करके लिखा है ओके। तो अगर आपको दान वगैरह करना है तो आपको दान पेटी में ही करना है ठीक है। माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद हम यहाँ से सीधा अभी बाहर हो जाएंगे ओके। तो ये जो आपको द्वार दिख रहा है तो यहीं से हम क्या करेंगे अभी नीचे उतर कर सीधा बाहर जाएंगे ठीक है। चलिए अभी हम आपको बाहर का भी थोड़ा नज़ारा दिखा देते हैं। तो यहाँ पर जो है खाने का भी जो स्टॉल है ओके, रेस्टोरेंट यहाँ पे लगा है जहाँ पे आप कुछ भी खा सकते हैं, भेल पकौड़ा वड़ा पाव जो भी आपको खाना है, पाव भाजी ओके, वो सब यहाँ पर आपको मिलेगा, चाय कॉफ़ी सब यहाँ पर आपको मिल जाएगा ठीक है। अगर आपके साथ में बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं ओके, तो आप अगर उनको साथ में लेकर आए हैं तो उनके लिए भी एक अच्छी जगह है ठीक है। यहाँ पर जो हमारे छोटे बच्चे हैं वो यहाँ पर कैंप पर खेल सकते हैं ओके। कुछ जो ये है यहाँ पर क्या बोलते हैं उसके छोटे बच्चे के जो गाड़ियाँ वगैरह हैं ओके, तो वहाँ पर भी वो क्या कर सकते हैं यहाँ पर बैठ सकते हैं ओके, उसका भी आनंद ले सकते हैं ओके। तो अगर आप आना चाहते हैं तो इसका जो एड्रेस है वो है सूराबर्टी ओके, नागपुर में आपको वाडी के आगे अमरावती रोड जो है
वहाँ पर आपको आना है, आपको कोई भी बता देगा कि जो गुफा है, शिवलिंग है, वो कहाँ पर है। ओके, तो आप यहाँ पर पहुँच जाओगे। एड्रेस है सुराबर्डी, ओके, नागपुर। आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।